इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनरल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, कॉमन इजेगुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स, दैट इज प्रोस्टेट, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, ये कहाँ पर होता है, उसका पोजीशन क्या होता है। तो मैंने आपको एक जनरल डायग्रामेटिक पार्ट बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब मैं उस सारे पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है जिसे डिस्कस करेंगे हम, वो स्क्रोटम है। आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स में, मेल में स्क्रोटम एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जो काफ़ी थिन स्किन से कवर्ड होता है। तो स्क्रोटम को बेसिकली हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच भी कहते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये। That contains thin skin or made up of thin skin and it is darkly pigmented. और ये भी याद रखिएगा कि इस स्किन में यहाँ पर स्वेट ग्लैंड भी होता है और सीबेसियस ग्लैंड भी होता है। एंड इन द यूथेरियन मैमल्स इट इज लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस। पेनिस फ्रंट में होता है, स्क्रोटम पीछे की तरफ होता है ना। और एक्चुअली अगर इसमें एक पॉइंट में बताऊं आपको, ये डिराइव कैसे हुआ, ये कैसे डेवलप होता है ह्यूमन बींग्स में, बेसिकली देयर इज टर्म कॉल्ड, अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशंस की बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एक टर्म यूज करते हैं लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग, लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग कहते हैं। और इसी स्वेलिंग से लगभग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फोर्थ वीक से लेकर लगभग 12th वीक तक स्क्रोटम का डेवलपमेंट हो जाता है ना। तो बेसिकली अगर आप ऐसा देखें, सपोज करो कि ये अगर एब्डोमेन का पार्ट है और ये लेग्स हैं, तो इस पोजीशन पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और इसको स्क्रोटल सैक कहते हैं। और इस स्क्रोटल सैक में बाहर की तरफ का जो एक पार्टीशन है उसको रेफे कहा जाता है और अंदर की तरफ सेप्टा होता है, है ना। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि स्क्रोटम के अंदर की तरफ ये इस तरह का एक सेप्टा है, स्क्रोटल सेप्टा कहते हैं इसको। और ये जो सेप्टा होता है, ये स्क्रोटल सैक को दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, है ना। और इस स्क्रोटल सैक के अंदर आप जानते हैं इसमें टेस्टिस का पार्ट प्रेजेंट रहता है। तो टेस्टिस का जो स्टोर हाउस है या जो टेस्टिस जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो स्क्रोटम होता है। जो स्क्रोटम को
स्टोर हाउस ऑफ टेस्टिस भी कहते हैं, और वी कैन से हाउस ऑफ द टेस्टिस इज द स्क्रोटम, दैट्स फाइन। अब आप देखें अगर तो स्क्रोटम के वॉल जो होते हैं, देखिए यहां पर जो स्क्रोटल वॉल होता है, बाहर तो ये स्किन है इसका, अंदर की तरफ इसमें एक ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हो, ये स्मूथ मसल्स की लाइनिंग होती है बेसिकली। और ये जो स्मूथ मसल स्क्रोटम के अंदर आप देख पा रहे हैं स्किन के पीछे, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये एक मसल है जिसको डार्टोस मसल कहा जाता है। ये स्मूथ मसल होता है बेसिकली, ये एक तरह का स्मूथ मसल है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि स्क्रोटम का रिक्वायरमेंट क्या है, या स्क्रोटम क्यों डेवलप होता है ह्यूमन बींग्स में, या किसी बहुत सारे मैमल्स में होता है, तो स्क्रोटम की जरूरत क्या है। तो एक चीज याद रखिएगा कि यूजुअली ह्यूमन्स बॉडी का जो टेम्परेचर है ये नियरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये इसको आप कह सकते हैं ये आपका एब्डोमिनल टेम्परेचर है, नियरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस टेम्परेचर पे जो स्पर्म है इसका सिंथेसिस या इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर कह सकते हैं उस एफिशिएंसी के साथ ये नहीं होगा जितना होना चाहिए, दैट्स राइट। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटिवली रिक्वायर्ड लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, एंड इन दैट वे दिस स्क्रोटम प्रोवाइड्स relatively less temperature, 2 to 3 degree less temperature, that might be in between 34 to 35 degree centigrade. And that's why scrotum lower, actually scrotum के अंदर का जो temperature है ये body के temperature से 2 से 3 degree कम होता है, जो बहुत जरूरी होता है इस spermatogenesis के process के लिए। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन यहां पर ये कि स्क्रोटम में ऐसा क्या खास बात है कि जो बॉडी के टेम्परेचर से ये अंदर के टेम्परेचर को कम करता है। तो ये याद रखिएगा कि स्क्रोटल सैक के अंदर कुछ यूनिक तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आपने शायद एक नाम सुना होगा, दिस टर्म कॉल्ड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। इसका लोकेशन मैं बाद बताऊंगा आपको। टेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस बेसिकली ये एक नेटवर्क ऑफ वेन्स हैं, कई सारे वेन्स का एक नेटवर्क है जो टेस्टिस के अंदर ब्लड सप्लाई करता है। वेन्स का वो एक्चुअली एक तरह का नेटवर्क होता है, और ये वेन्स आर्टरी के काफ़ी नज़दीक है, तो एक तरह का काउंटर करंट प्रोसेस वर्क करता है वेन्स और आर्टरी के बीच में, और वो हीट का एक्सचेंज भी करता है उसमें। समझ आ रहा है? तो हीट का एक्सचेंज अगर होगा तो अकॉर्डिंगली ये कोशिश करता है कि स्क्रोटम के अंदर का जो टेम्परेचर है ये बॉडी के टेम्परेचर से कम रहे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और चीज याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि इस स्क्रोटम में हमेशा टेस्टिस अवेलेबल होता है। अगर आप इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, ऐसे याद रखिएगा कि जो लंबर एरिया होता है एब्डोमेन का, लंबर एरिया ऑफ द एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में टेस्टिस बेसिकली सिलोमी के बिचलिया से डेवलप होता है। यहां देखिए 7 to 8 वीक के आसपास टेस्टिस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 7 to 8 वीक के आसपास टेस्टिस डेवलप होता है सिलोमी के बिचलिया से एब्डोमेन के अंदर, और ये पूरा पार्ट एक ऐसा आप कह सकते हैं एक केनाल होता है इस तरह का, ये इम्यूरल रिंग भी कहते हैं इसको। ये देखिए ऐसा ये एक केनाल है, ऐसे इधर से भी होगा ये केनाल, ये टेस्टिस है और ये केनाल है, बेसिकली इस केनाल को, इस केनाल को
इंग्यूनल केनाल कहते हैं, और इसी केनाल के थ्रू ये जो टेस्टिस है ये इसमें डिसेंड करता है ड्यूरिंग 38 वीक, 30 वीक का जो प्रेगनेंसी हो जाता है, जब एक बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये जो सेवन्थ मंथ के बाद का, ये 38 वीक सेवन्थ मंथ के बाद ही आएगा, ये सेवन्थ मंथ के बाद हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, जिसमें टेस्टोस्टेरोन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और भी कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बट मेन द हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ये टेस्टिस इस डक्ट से होता हुआ फाइनली अपना पोजीशन लेगा कहाँ, स्क्रोटम के अंदर, और ये प्रोसेस 38 वीक के बाद ही स्टार्ट होता है। 30 वीक जब कंप्लीट हो गया प्रेगनेंसी का, उसके बाद ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो टेस्टिस अभी तक इंट्रा एब्डोमिनल था वो कहाँ डिसेंट हुआ, स्क्रोटम के अंदर, एंड द हार्मोन इज मेनली द हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए, और देखो बाद में इसी केनाल के साइड से देखो एक और डक्ट का ओरिजिन होता है, देखो, और ये डक्ट बिल्कुल इसके अंदर की तरफ जाएगा। देखिए तो इंग्यूनल केनाल का बाद में कोई ऐसा रोल तो है नहीं, लेकिन बाद में जो टेस्टिस का कनेक्शन एब्डोमिन के साथ बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब टेस्टिस डिसेंट कर गया स्ट्रूटम के अंदर, तो टेस्टिस एक लिविंग टिश्यूज का पार्ट है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें आर्टरी है, उसमें वेन्स हैं, उसमें लिम्फेटिक वेसल का सप्लाई होता है, उसमें नर्व भी होता है। इन सबको ले जाने के लिए एक लार्ज डायमीटर का एक डक्ट है जिसका नाम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा जाता है, और ये कॉर्ड इस पोजीशन में अटैच होता है, टेस्टिस के लोअर पार्ट तक ये पहुंचता है। तो ये एक जनरलाइज मैंने पार्ट बताया आपको, और ऐसा हो सकता है कि कई बार प्री मैच्योर बर्थ भी होता है, सेवन मंथ के बाद ही बच्चे का अगर बर्थ हो जाए, तो कई बार ये कंडीशन है कि टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाता स्क्रोटम के अंदर, और ऐसे कंडीशंस को क्रिप्टो ऑकल्टिज्म कहा जाता है। प्री मैच्योर बर्थ में अक्सर ऐसा देखा जाता है, कई बार बर्थ के बाद भी मे बी पॉसिबल है कि टेस्टिस डिसेंड ना करे स्क्रोटम में, तो हार्मोनल थेरेपी वगैरह दी जाती है, या फिर बाद में सर्जरी भी एक तरीका होता है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर लंबे समय तक टेस्टिस डिसेंड नहीं किया स्क्रोटम में, बर्थ हो गया बच्चे का, हो सकता है कि एब्डोमेन के टेम्परेचर की वजह से टेस्टिस के टिश्यूज खराब हो जाए, और अगर टेस्टिस का टिश्यूज खराब हो गया तो दैट कैन बी रिजल्ट इन परमानेंट स्टरिलिटी, और आप कह सकते हैं वो बच्चा पूरी तरह इनफर्टाइल हो जाएगा। स्टरिलिटी तो पक्का ही है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो ऑर्गेडिज्म इज ए टर्म दैट इज यूज्ड व्हेन अ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इनटू द स्ट्रूटल सैक इवन आफ्टर बर्थ। तो हमने जो टर्म यूज किया, देखें यहां पर दैट टर्म इज कॉल्ड, देखिए एक टर्म यूज करते हैं यहां पर क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, व्हेन अ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। तो बर्थ के बाद कई बार टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन या एचसीजी वगैरह का इंजेक्शन देकर इसे इंड्यूस भी किया जाता है, और नहीं हुआ तो फिर सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या जितने भी मैमल्स हैं, क्या सभी मैमल्स में टेस्टिस हमेशा स्क्रोटम में होता है, क्या सभी मैमल्स में स्क्रोटम होता है? ऐसा नहीं है। जैसे देखो कुछ कॉमन मैमल्स की बात करें, जैसे हॉर्स है, मैन हो गया, बुल हो गया, है ना, लायन हो गया, हॉर्स में, मैन में, बुल में, लायन में, इसमें तो टेस्टिस ऑलवेज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ही है, लेकिन
कुछ एलिफेंट, कुछ एनिमल्स देखिए, जैसे एलिफेंट है या फिर कहते हैं वेल वगैरह होता है, इनमें स्क्रोटम नहीं है। यहां पर हम बात करते हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का। और कुछ एनिमल जैसे बैट वगैरह में ये कह सकते हैं इसमें माइग्रेटरी माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन, और यू कैन से पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक एंड बैक टू द एब्डोमेन। ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, और इनमें बैट वगैरह में क्या है कि हमेशा टेस्टिस नहीं रहता है स्क्रोटम में। जब ब्रीडिंग टाइम आएगा तो टेस्टिस डिसेंड करता है स्क्रोटम में, और जैसे ही ब्रीडिंग टाइम खत्म होगा वो वापस कहाँ चला जाएगा, एब्डोमेन में। तो एक मूवमेंट है उसका, टेस्टिस का मूवमेंट है अब्डोमेन में और नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बैट में ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखो, मैंने एक चीज बताया आपको कि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, यहां देखिए, जैसे मान लिया जाए अगर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर ऐसे मान लो, और एक लार्ज साइज ये डक्ट देखो से यहां पर जो इसकी तरफ आ रहा होता है, और ये तो मैंने पहले बताया ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है। ये जो आप पूरा एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में से यहां तक अटैच रहता है। और इसी कॉर्ड के अंदर आप देखोगे इसमें कई तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें कई तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आर्टरी होता है जो ब्लड सप्लाई करेगा टेस्टिस में, इसमें वेन्स होते हैं, इसमें लिम्फेटिक वेसल भी होता है, इसमें नर्व फाइबर्स भी होते हैं, इसमें एक स्मूथ मसल का पार्ट भी है जिसे क्रिमेस्टर मसल कहा जाता है, क्रिमेस्टर मसल कहते हैं। तो ये सब कुछ इसी कॉर्ड के थ्रू क्रॉस करता ही है, और इसका कनेक्शन एब्डोमेन वाले पार्ट से होता है ना। और ये याद रखिएगा कि स्क्रोटम के अंदर, अगर स्क्रोटम की बात करें इस तरह से, और अगर ये टेस्टिस का पोजीशन अभी यहां पर है, और ये भी याद रखना टेस्टिस का जो अटैचमेंट होता है स्क्रोटम के वॉल से, इसको कहते हैं, इसे गुबरनेकुलम कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि टेस्टिस का जो पोजीशन है ये ऊपर की तरफ जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, मान लो ऑल दो ह्यूमन बींग्स आर होम्योथर्म, बट एनी हाउ अगर टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से या एक नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ज्यादा हुआ तो टेंडेंसी क्या होगी, टेस्टिस नीचे की तरफ जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो टेस्टिस टुवर्ड्स किधर जाएगा बताओ, वो मूव करेगा टुवर्ड्स एब्डोमेन। तो टेस्टिस मे मूव टुवर्ड्स द एब्डोमेन और अवे फ्रॉम द एब्डोमेन डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑल्सो। एंड फॉर दैट मूवमेंट देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, वन इज कॉल्ड क्रिमेस्टर मसल ऑफ द क्रिमेस्टर, सॉरी द स्पर्मेटिक कॉर्ड, एंड सेकेंड इज द डार्टोस मसल ऑफ द स्क्रोटल वॉल। इसके कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ही जो टेस्टिस का मूवमेंट है दैट मे मूव अवे फ्रॉम द एब्डोमेन और टुवर्ड्स द एब्डोमेन।
दैट्स फाइन। सो मैंने बता दिया आपको ये एक जनरलाइज पार्ट की स्क्रोटम का क्या रोल होता है, टेस्टिस कैसे डिसेंड करता है ना, और क्या जरूरत है स्क्रोटम के सैक का। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि टेस्टिस के अंदर या टेस्टिस का पूरा जो हिस्टोलॉजी का पार्ट है, टेस्टिस में क्या क्या होता है, उसका क्या एनाटॉमी होता है। तो अगले पार्ट में, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन से डक्ट होते हैं। ठीक है।